दोस्तों आज से तकरीबन 30 साल पहले तक हम इंसानों को नहीं पता था कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। पर 1992 में ह्यूमन हिस्ट्री के एक नहीं बल्कि दो एक्सोप्लैनेट्स पोल्टरगीस्ट एंड फोबिटर एक साथ डिस्कवर होते हैं। और जब से अब तक 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ हैबिटेबल जोन में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स तो लाइफ भी प्रॉमिस करते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस यूनिवर्स के 7 सबसे स्ट्रेंजेस्ट प्लैनेट्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। नंबर 7 GJ1214b। दोस्तों ये प्लेनेट हमसे 40 लाइट ईयर्स दूर है और इसका साइज अर्थ से बड़ा है, लेकिन गैस जायंट जैसे नेपच्यून से छोटा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। माना जाता है ये प्लेनेट सिर्फ और सिर्फ एक जाइगेंटिक ओशन से कवर है, इसलिए साइंटिस्ट इस प्लेनेट को वाटर वर्ल्ड भी कहते हैं। इस प्लेनेट के ओशन की गहराइयां हमारे अर्थ में मौजूद सबसे डीपेस्ट जगह मरियाना ट्रेंच से भी 1000 गुना ज्यादा है। दोस्तों GJ1214b ना सिर्फ स्ट्रेंज प्लेनेट है, बल्कि इस प्लेनेट में लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस प्लेनेट में पानी है और जहाँ पानी होता है वहाँ ऑक्सीजन होता है, एंड जहाँ ऑक्सीजन होता है वहाँ ऑफ कोर्स लाइफ भी हो सकती है। नंबर 6 Kepler-37b। ये प्लेनेट अब तक का सबसे छोटा एक्सोप्लेनेट है। दोस्तों Kepler-37b का साइज तकरीबन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद अर्थ के मून के जितना है। दोस्तों जहाँ हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है, वहीं Kepler-37b अपने स्टार से मरकरी से कई गुना ज्यादा करीब है, इसलिए इसकी सरफेस का टेम्परेचर 800 फ़ारेनहाइट तक होता है। दोस्तों इस टेम्परेचर में लेड जैसा मेटल भी आराम से पिघल जाता है। नंबर 5 GJ504b। दोस्तों ये प्लेनेट अपने पिंकिश कलर की वजह से जाना जाता है। इसका ये कलर हाई टेम्परेचर की वजह से दिखाई देता है। बहरहाल इसका कलर इसे स्ट्रेंज और मिस्ट्रियस नहीं बनाता, बल्कि इसका साइज बनाता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर से भी 4 गुना ज्यादा है। दोस्तों GJ504b एक गैस जायंट है और इसके अंदर कोई सरफेस मौजूद नहीं है, बिल्कुल यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर की तरह। ये प्लेनेट हमारे प्लेनेट अर्थ से 57 लाइट ईयर्स दूर है। वैसे ये प्लेनेट अपने स्टार से कई गुना दूर ऑर्बिट करता है। इनफैक्ट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून, जो कि सन से सबसे दूर प्लेनेट है, उसके मुकाबले भी 4 गुना ज्यादा। इसके इसी डिस्टेंस ने साइंटिस्ट को परेशान किया हुआ है और प्लेनेट फॉर्मेशन की थ्योरीज को हिला दिया है। नंबर 4 WASP-12b। दोस्तों ये प्लेनेट यूनिवर्स का सबसे स्ट्रेंजेस्ट प्लेनेट है। इसका साइज तो जुपिटर से 2 गुना बड़ा है, बट ये अपने स्टार के बहुत ही ज्यादा करीब है और इसका स्टार इसे खींचे जा रहा है, इसलिए इसका शेप एग की तरह हो चुका है और तकरीबन 3 मिलियन ईयर्स के बाद ये प्लेनेट पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा गर्म है, तकरीबन 4600 फ़ारेनहाइट तक। ये टेम्परेचर इनफ है टाइटेनियम, प्लेटेनियम एंड आयरन जैसे एलिमेंट्स को मेल्ट करने के लिए। साथ ही साथ ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार का चक्कर 26 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। वहीं अगर हमारे प्लेनेट अर्थ से कंपेयर किया जाए तो उसे सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं, विच मींस इस प्लेनेट में एक साल 26 आवर्स के बराबर होता है। नंबर 355 Kankri। दोस्तों ये प्लेनेट सुपर अर्थ साइज प्लेनेट है और इस प्लेनेट के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि ये तकरीबन डायमंड का बना हुआ है। इस प्लेनेट की ज्यादातर सरफेस ग्रेफाइट और डायमंड से कवर है, बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह जो वाटर से कवर्ड है। दोस्तों वैसे ये चमकते हुए गोल्ड डायमंड की तरह नहीं दिखता, बल्कि वोल्केनो प्लेनेट की तरह नजर आता है, क्योंकि ये अपने होस्ट स्टार के बहुत ही करीब से ऑर्बिट करता है। वैसे हाइपोथेटिकली इस प्लेनेट में मौजूद डायमंड 27 नॉन इलियन USD वर्थ करते हैं। दोस्तों इस नंबर के आगे 30 जीरोस आते हैं। नंबर 2 TRAS-2b। दोस्तों आपने जिंदगी में ब्लैक कलर तो हर जगह देखा होगा और सबसे ज्यादा डार्केस्ट चीज शायद ब्लैक मैट एक्रेलिक पेंट को देखा हो, बट TRAS-2b जिसे डार्क वर्ल्ड भी कहा जाता है, इस यूनिवर्स का डार्केस्ट एक्सोप्लैनेट है, जो इवन ब्लैक मैट एक्रेलिक पेंट से भी कई गुना ज्यादा डार्क नजर आता है। ये अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को सिर्फ 1% रिफ्लेक्ट करता है एंड अब तक का डार्केस्ट नॉन एक्सोप्लैनेट है। दोस्तों ये प्लैनेट भी अपने स्टार के बहुत ही करीब से ऑर्बिट करता है, इसलिए एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर की वजह से इसमें रिफ्लेक्टिव क्लाउड्स नहीं बन पाते हैं, जिनमें ओवरऑल प्लैनेट का अपीयरेंस डिपेंड होता है, इसलिए ये प्लैनेट इतना डार्क दिखाई देता है। और शायद इस प्लैनेट में कुछ ऐसे केमिकल एग्जिस्ट करते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साइंटिस्ट का मानना है इस प्लैनेट में शायद ऐसे भी केमिकल्स हो सकते हैं जो इंसानी हिस्ट्री में कभी डिस्कवरी ही ना हुए हों। नंबर 1 Kepler-452b। दोस्तों इस प्लैनेट को अर्थ का कजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये और अर्थ आपस में बहुत सी सिमिलरिटीज शेयर करते हैं। इस प्लैनेट का साइज अर्थ से थोड़ा सा ही बड़ा है। दोस्तों ये प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है और इसका होस्ट स्टार भी तकरीबन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सन से बहुत ही सिमिलर है। Kepler-452b अपने स्टार का ऑर्बिट कंप्लीट करने में 385 डेज लगाता है, मतलब अर्थ से सिर्फ 20 डेज ज्यादा। दोस्तों इसके हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इसमें लिक्विड वाटर भी एग्जिस्ट करता है, और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में होता है वहाँ लाइफ के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, और शायद इस प्लेनेट में भी एलियंस हो सकते हैं। वैसे ये प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए बेस्ट है, लेकिन शायद ही हम इंसान इस तक कभी पहुँच पाए, क्योंकि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है, और अगर हमने फ्यूचर में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाली टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली तो हमें इस तक पहुँचने में 1800 साल लग जाएंगे।